राहुल भाई चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं टेक्निकल राहुल भाई चैनल में, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में आपको 2019 की 20 ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आपका आईफोन काफी इजी हो जाएगा। जो उसका इंटरफेस है, यूजर फेस है, काफी आपको अच्छा लगेगा चलाने में, काफी आपके लिए फोन इजी बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रिक है कैलकुलेटर, जो कि एक छोटी सी ट्रिक है लेकिन कई बार काफ़ी काम आती है ट्रिक। अगर आपने कैलकुलेटर खोला, आपने कुछ भी नंबर वगैरह लिखा तो आप वो कट करना होगा, उसके लिए आपको ऑप्शन नहीं मिलता, आप कट कहाँ से करोगे, इससे करोगे पूरा क्लीन हो जाएगा। कई बार हमसे गलती से कुछ अलग नंबर दब जाता है, हमें दबाना कुछ और होता है, तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पर फिंगर रखनी है अपनी, यहाँ पर ऐसे करना है। अब जैसे करो आपने कुछ भी नंबर लिखा हो, आपने ये कुछ लिख दिया, आपको लिखना कुछ हो रहा है, तो आपको सिंपल बस ऐसे करना है। ये देखिए, तो ये ट्रिक है काफ़ी नॉर्मल सी ट्रिक है लेकिन काफ़ी यूजफुल ट्रिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। मैच ट्रिक है मैसेज को लेके। आपने मैसेज ओपन किया, अगर आपको मैसेज पे इमोजी वगैरह लगाना तो आप इमोजी पे क्लिक कीजिए और जो आप मतलब सामने वाला बंदा मैसेज करा आप उस पर ऐसे इमोजी लगा सकते हो, उस पर आप लॉन्ग प्रेस कीजिए ऐसे। देखिए इसको आप ऐसे लगा सकते हो, ये लग गया यहाँ पे। अब इसे मान लो ये मैसेज है, अब इसे हम पे लगाना, तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल कुछ नहीं करना, हमें इस पर क्लिक करना, हमें कोई भी इमोजी ले सकते हैं यहाँ से। हमने कैट ले ली तो हमें कैट ऐसे प्रेस किए करेंगे और हम ऐसे लगा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा यार, काफ़ी अच्छा मतलब जो इंटरफेस होता है मैसेज का देखने में अच्छा सा लगता है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी बेस्ट है वाला ऑप्शन भी। ये वाली ट्रिक भी काफ़ी यूजफुल है। अगर आपको मान लो आपको ऐप एक नेक्स्ट पेज पर जानी है तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद आपको हल्का सा डाउन नीचे करना है, उसके बाद आप जिस भी ऐप पर क्लिक करोगे वो ऐप इसके अंदर ऐड होती रहेगी। देखिए ये ऐप ऐड होगी, उसके बाद आप किसी पेज पे जाके कहीं भी लगाओगे इनको, वहीं पे सारी एक साथ खुल के आएगी। तो काफ़ी अच्छा फीचर है, काफ़ी बेस्ट फीचर लगा मुझे ये। तो दोस्तों ये वाला फीचर भी काफ़ी अच्छा है, आप अपने हिसाब के अपने अकॉर्डिंग आप वाइब्रेशन सेट कर सकते हो। तो आपको सिंपल आपको सेटिंग में जाना है, यहाँ पर आपको साउंड मोर हैप्टिक्स में जाना है, ये आपने क्लिक किया, सॉरी ये आपने क्लिक किया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट टोन का, इसके बाद आप नीचे यहाँ पर जाओगे तो ये आप अपनी मर्जी की वाइब्रेशन सेट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर क्रिएट ए न्यू वाइब्रेशन, ये देखिए आप जैसे फिंगर टैप करोगे आप उसके अकॉर्डिंग मतलब सेम वैसी आप वाइब्रेशन कर सकते हो। तो यार ये काफ़ी फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, तो मेरे हिसाब से आप इसको करने के बाद सेट कर रहे हैं, कुछ भी आप नंबर डाल दीजिए 123 आपने सेट किया, उसके बाद आप ये वाली वाइब्रेशन लगा सकते हो। तो दोस्तों ये वाली ट्रिक है नोटिफिकेशन के ऊपर, तो नोटिफिकेशन तो आप सबको काफ़ी ज़्यादा आती है, इनको मैनेज करना काफ़ी इजी है। आपको सिंपल आपको लेफ्ट स्वाइप करना है, उसके बाद आपको मैनेज में जाना है, यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है, उसके बाद आप इसको टर्न ऑफ भी कर सकते हो या बीच बैनर में भी ले सकते हो, नोटिफिकेशन सेंटर में भी, यहाँ कि आप मतलब नोटिफिकेशन आपको कैसी भी आएगी, फिर वाइब्रेशन आएगी, आप सब कुछ अपने हिसाब से इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा वाला फंक्शन है ये भी, अपने हिसाब से आप नोटिफिकेशन को मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक है फोटो सर्च को लेके। तो आपको क्या जाना, आपको सिर्फ फोटो में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ सर्च करना है, यहाँ पर आपको लिखना, जैसे लिख दो आप ब्लू स्काई लिख दो, तो अब ब्लू स्काई की जो फोटो आ जाएगी, तीन फोटो ब्लू स्काई की फोटो आ गई। तो ये वाला भी काफ़ी अच्छे से ट्रिक है एक तरह से, ये वाली ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डू नॉट डिस्टर्ब मी। तो आपको सेटिंग में जाना है, यहाँ पर आप जाओगे डू नॉट डिस्टर्ब, इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सोने का टाइमिंग हो, आपका बेड टाइमिंग है, क्या आप उस टाइम सो तो आपको डिस्टर्ब ना करें, तो आपको सिंपल यहाँ पर टाइम सेट करना, उसके बाद यार आपको जो भी टाइम होगा आपके उस टाइम पे आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक साइलेंट मोड पर हो जाएगा, आपका फ़ोन ऑटोमेटिक डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर आ जाएगा। तो ये वाला फीचर काफ़ी अच्छा है, मतलब आपको रिलैक्स काफ़ी अच्छे से मिल जाएगा। ये जो ट्रिक है, ये वाली ट्रिक है प्राइवेट नोटिफिकेशन को लेके। मान लो आपको नोटिफिकेशन जो आप किसी को नहीं दिखा सकते, तो आपको सिंपल पहले की तरह वही करना है, आपको यहाँ पर मैनेज में जाना है, यहाँ पर सेटिंग में जाइए, उसके बाद आपको जाना है नोटिफिकेशन में, तो आपको ऑलवेज पे आप करोगे तो आपको सिर्फ नोटिफिकेशन जब दिखाई देगी, जो उसके अंदर कॉन्टैक्ट होगा वो जब दिखाई देगा जब आप फ़ोन को अनलॉक करोगे, और आप नेवर पर कर दोगे तो आप वो कभी भी उसकी नोटिफिकेशन आएगी तो आपको सिर्फ इंटरफेस दिखाई देगा कि मतलब इस नाम से नोटिफिकेशन आई है, लेकिन अंदर क्या डिटेल है क्या डिटेल नहीं है इसके बारे में उसको पता नहीं लगेगा जब तक आप फोन को अनलॉक नहीं करोगे। तो ये वाला काफ़ी अच्छा ऑप्शन है प्राइवेट नोटिफिकेशन का। नेक्स्ट पे दोस्तों, कई बार लोग रात को अपनी डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम करनी होती है, इतनी कम करने बाद भी काम नहीं चलता, वो आँखों फिर भी चुपती है, या फिर रात को लोग अपना कुछ नाइट शिफ्ट वगैरह लगाते हैं तो उसमें मज़ा नहीं आता, तो उसके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है मेरे पास। आप सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद वो जनरल में जाना है, जनरल में जाने के बाद आपको एसेसिबिलिटी में जाना है, उसके बाद आप नीचे जाइए एकदम, ये आप लास्ट में एसेसिबिलिटी शॉर्टकट, तो इसके ऊपर आप लिख दीजिए रिड्यूस वाइट पॉइंट। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपको जो रात को जैसे आप सोते हो तो आपको ट्रिपल क्लिक करना ही दीजिए लॉक बटन को, इससे आपकी लाइट ब्राइटनेस एकदम लो हो जाएगी, और आपको ऑन करना, आपको ब्राइटनेस तेज करना, तो भी आपको ट्रिपल क्लिक करना ही। देखिए
ये हो गया लो। तो ये वाला फीचर काफ़ी बेस्ट है, सिर्फ आपको सिंपल तीर पर क्लिक करना है। ये देखिए बस आपको किसी फ़ोन में होम बटन का हो, आपको 6 है 7 है 8 प्लस फ़ोन है तो आपके फ़ोन में होम बटन 3 बार प्रेस करना पड़ेगा, लेकिन ये एक्स वाले में साइड का जो लॉक बटन है आपको इस वो को 3 बार प्रेस करना पड़ेगा। ये वाला ट्रिक काफ़ी नॉर्मल है, काफ़ी लोगों को पता भी होगी। जैसे आपने कुछ भी टेस्ट वगैरह लिखा हुआ है, आपने ये लिखा हुआ है, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको मतलब एक एक करके ऐसे आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, आपको बस सिंपल लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद अपने अपने हिसाब से कहीं भी लेके जा सकते हो, कहीं भी आप जहाँ के लिए करोगे आपको वहीं आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन है काफ़ी अच्छा, बस आपको 3D आपका टच वाला फ़ोन होना चाहिए, उसके बाद आप कहीं भी क्लिक करोगे। ये देखिए ये तो काफ़ी अच्छा बेस्ट ऑप्शन है वाला। और अगर आपके फ़ोन में 3D टच नहीं है तो भी आप सिंपल आपको स्पेस को एक बार प्रेस कीजिए, उसके बाद आप कहीं भी क्लिक कर सकते हो, ऐसे कहीं भी आप ले जा सकते हो, कहीं भी आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये वाला एक फ्यूचर काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, काफ़ी अच्छी ट्रिक है, वरना यार ऐसे फिंगर से करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, सही से नहीं पहुँच पाता। तो ये वाला ऑप्शन काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग प्रेस कीजिए और कहीं भी देखो ये कहीं पहुँच। ये वाला ट्रिक काफ़ी यूजफुल है दोस्तों, जैसे आपको फोटो में गए तो आपको कुछ फोटो वगैरह डिलीट वगैरह करनी है, कुछ मूव वगैरह करनी है, तो आप यार एक एक पे करोगे तो यार ये देखिए सिलेक्ट करने बहुत टाइम लगे, बहुत प्रॉब्लम होती है अगर आप एक सिलेक्ट करोगे। तो इससे बड़े बेस्ट ऑप्शन आपके लिए, आपने सिलेक्ट किया उसके बाद आप जैसे फिंगर आप ऐसे करते जाओगे ये पूरा सिलेक्ट होते जाएगा। तो ये वाला फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोगों के बारे में नहीं पता, तो उनके लिए फ्यूचर काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी बेस्ट फ्यूचर है ये वाला फीचर दोस्तों, काफ़ी कमाल है। कई बार क्या होता है आपके फ़ोन में कुछ पर्सनल डाटा वगैरह होता है और बच्चे आपके फ़ोन मांग रहे होते हैं, तो आपको डर होता है बच्चा आपकी गैलरी वगैरह चेक ना कर ले, या कोई फैमिली मेंबर गैलरी वगैरह चेक ना कर ले, क्योंकि इसके अंदर ऐप लॉक तो होता नहीं, जो होता है वो पेड होता है। तो उसके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आपको सिंपल क्या करना है, आपको किसी भी मतलब आपने फोटो गैलरी खोली हुई है तो आपको 3 बार लॉक वाला बटन प्रेस करना है। देखिए 1 2 3 ये गाइड ऐसे स्टार्ट हो चुका है, इसके बाद आप फ़ोन में कुछ भी कर लो बच्चा इस ऐप से बाहर नहीं जा पाएगा, चाहे वो गेम हो चाहे फोटो गैलरी। देखिए मैं कुछ भी कर रहा हूँ लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा, मेरा फ़ोन लॉक है इस टाइम पे, मान लो सिर्फ फोटो देख सकता कोई भी, ना फोन ऑफ होगा ना फोन में कुछ और सकता ना नोटिफिकेशन बाहर आएगा। तो ये वाला फीचर काफ़ी कमाल का फीचर, काफ़ी बेस्ट फीचर है, और अगर आपको एंड करें तो आप जब भी आपको 3 बार क्लिक करना है। देखिए ये आपको पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपको एंड स्क्रीन कर दिए, ये होगा खत्म। तो अगर आपको स्टार्ट कैसे करना है, सेटिंग में जाना है, आपको जनरल में जाना है, एसेसिबिलिटी में जाना है, उसके बाद नीचे चले आप लास्ट में एकदम, यहाँ ऐसे भी शॉर्टकट है, यहाँ पे आपको गाइडेड एसएस पे क्लिक करना है। मैंने गाइडेड एसएस पहले से क्लिक किया हो, गाइडेड एसएस पे आप क्लिक कर दो, उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन देख रहा हूँ मिल जाएगा। ये वाला फ्यूचर काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्यूचर है, काफ़ी लोग क्या होता है वो पूछते रहते हैं मतलब यार स्कैनिंग के लिए कोई डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए कोई ऐप वगैरह, तो अगर आप आईफोन यूज़र हो तो आपको स्कैनिंग के लिए कोई भी ऐप यूज़ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल आपके फ़ोन के अंदर मिल जाएगी। आपको नोटिस में जाना है, उसके बाद आपको न्यू पेज पर क्लिक करना है, यहाँ पर जाएगा प्लस का साइन, इस पर आप ऐड करते कुछ भी डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हो। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये होगा स्कैन। तो यार ये वाला फीचर काफ़ी बेस्ट है, मतलब आप कुछ भी स्कैन कर सकते हो, आपको किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है, ये सिंपल आपका होगा स्कैन। ये वाली जो ट्रिक है ये ट्रिक कैमरे के लेके है, जैसे आपको कैमरे में क्लिक किया तो बहुत से लोगों को क्या होता है ये वाला जो ऑप्शन मिलता है आपको पैनोरामा का, इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, सिर्फ राइट का होता है, तो आपको राइट बार एक बार क्लिक किया तो ये लेफ्ट के लिए मिल जाएगा आपसे ऑप्शन। तो काफ़ी अच्छा, अगर आपको यूज़ करना है पैनोरामा तो आप ऐसे लेफ्ट राइट दोनों तरफ यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक है बेड टाइम को लेकर, तो आपको अगर बेड टाइम अगर फिक्स करना है, आपको सेट करना है आपको किस टाइम सोना है, आपको किस टाइम उठना है, तो आपको सिंपल आप कोक में जाइए, उसके बाद आपको यहाँ बेड टाइम का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए बेड टाइम ऑप्शन मिल गया, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो, किस टाइम उठना है किस टाइम आपको सोना है, उसके अकॉर्डिंग अलार्म बच जाएगा। तो ये वाला फीचर भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट फीचर है कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग को लेके, तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है और आपको अपनी थोड़ी कम एमबी मतलब कुछ स्टोरेज आपके पास कम है, तो आपको सिंपल उसके लिए काम करना है, आपको सेटिंग में जाना है, यहाँ पर जाने के बाद आपको नीचे लास्ट में जाना है कैमरे के अंदर या कैमरा, तो उसके बाद आपको फॉर्मेट करने जाना है। अब फॉर्मेट में आप हाई एफिशिएंसी रखनी है तो आपको इसमें काफ़ी एमबी घेरे काफ़ी स्टोरेज आपकी मतलब बढ़ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज लेगा वीडियो। और अगर आपको चाहिए कि यार मेरे रेजोल्यूशन में ख़राब ना हो या मेरी कम एमबी के अंदर ये वीडियो आ जाए, तो आपका मोस्ट कंपेटिबल पर क्लिक करना है। तो ये वाला ऑप्शन है काफ़ी कमाल का, अगर आपके फोन में स्टोरेज कम है तो आपके लिए वाला ऑप्शन काफ़ी बेस्ट है। फीचर काफ़ी कमाल का, काफ़ी स्पेशल फीचर है। मान लो जैसे आप चाहते हो कि आपका बच्चा 10-15 मिनट से ऊपर कोई भी ऐप वगैरह यूज़ ना करे, गेमिंग वगैरह ना खेले, तो उसके लिए आपको सिम पर जाना है क्लॉक में, यहाँ पर आप क्लॉक में गए, यहाँ पर आप टाइमर में जाओगे, इसके बाद यहाँ पर स्टॉप प्लेइंग अपने इस पर क्लिक किया और लास्ट में नीचे गए, स्टॉप प्लेइंग पे क्लिक करने के बाद आपने सेट किया और आपने कर दे स्टार्ट। अब अपने मैंने 8 सेकंड टाइम लगाया, तो देखिए मैंने 8 सेकंड में अपने आप लॉक हो जाएगा। ये वाला फीचर काफ़ी कमाल का, देखना अभी सच में काफ़ी गजब का फ्यूचर, काफ़ी कमाल का फ्यूचर। मतलब आपको कोई बच्चा वगैरह फोन यूज़ कर रहा है तो उसके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है कि आपका बच्चा 10-15 मिनट से ऊपर फोन यूज़ ना कर सके, आप जो चाहो वो टाइमिंग लगा सकते हो।
ये वाला फीचर आपके व्हाट्सएप वगैरह के लिए, मान लो आपको व्हाट्सएप वगैरह कोई मैसेज वगैरह आया तो आपको सीन नहीं करना चाहते, मैसेज पढ़ना चाहते हो, लेकिन अगर आप सीन करोगे तो सामने वाला बंदा देख लेगा आपने सीन कर लिया, तो उसके लिए आपको बहुत बेस्ट ऑप्शन है। आपके फोन में 3D टच है तो आपको सिंपल 3D टच क्लिक करना है, प्रेस करना लोंग, आपको देखो भारी पढ़ने को मिल जाएगा, ना आपका मैसेज सीन होगा ना उसे ब्लू क्लिक आएगा और आप मैसेज का मैसेज पढ़ लोगे। तो ये वाला ऑप्शन काफ़ी कमाल का व्हाट्सएप के लिए। ये वाला फीचर है सफारी को लेके, तो आप अगर सफारी यूज़ करते हो और आप काफ़ी सारे मतलब खोल रहे हो टैब वगैरह, तो आपको एकदम तो आप क्लीन कर सकते, सिंपल तो आप एक क्लीन कर लोगे, लेकिन आपको सारे क्लियर करने हैं तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको डन पे क्लिक करना है, लॉन्ग प्रेस करना है, तो उसके बाद आप क्लियर ऑल 5 टैब। तो ये वाला ऑप्शन काफ़ी अच्छा है, एक साथ पूरा क्लीन दिखा देगा, ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है, अब कोई भी टैब नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन काफ़ी बेस्ट है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू। और अगर आपने अभी तक मेरे iPhone XS Max स्पेशल अनबॉक्सिंग नहीं देखी हो, जाइए देख लिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, और वीडियो को ढेर सारा प्यार कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।